नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल गोविल, आपका अपना दोस्त एंड होस्ट, आपका अपने यूट्यूब चैनल कैप्स एंड कार्टेक पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुछ हाई एंड सेफ्टी फीचर्स ब्रेकिंग सिस्टम्स में, जिसमें सबसे पहले आ जाता है विच इज़ कॉल्ड ब्रेक डिस्क वाइपिंग, विच इज़ कॉल्ड BDW। ब्रेक डिस्क वाइपिंग एक बहुत ही यूनिक फीचर है जो कि हाई एंड कार्स में आता है या प्रीमियम कार्स का फीचर है, बट ये आज की डेट में कुछ इकोनॉमिक कार्स में भी आने लगा है। और अगर हम बात करते हैं ब्रेक डिस्क वाइपिंग की, तो ब्रेक डिस्क वाइपिंग एक ऐसा फीचर है जो हमारे पास आज की डेट में टाटा की गाड़ियों में भी अवेलेबल है, जैसे कि नेक्सॉन है, सफारी है, हैरियर है, इन गाड़ियों में भी ब्रेक डिस्क वाइपिंग जैसा एक बहुत ही यूनिक फीचर आता है जो कि बहुत ही प्रीमियम फीचर है। और ब्रेक डिस्क वाइपिंग की अगर हम बात करते हैं, तो ब्रेक डिस्क वाइपिंग एक ऐसा फीचर है जो कि वेट सरफेस पर, यानी गीली और कीचड़ वाली जगहों पर जहाँ पर मड ज़्यादा होता है या स्लिपरी होती है या आइसी सरफेसेस है, उस कंडीशन में कार जब ड्राइव की जाती है, सपोज़ किसी नाले से, नहर से, नदी से गाड़ियों को निकालना पड़ता है, कभी कभी फ्लाईओवर भी टूट जाते हैं, कभी कभी हम ऑफ रोडिंग पे जाते हैं तो रास्ते में नदियाँ और नहरें भी पड़ती हैं, उस कंडीशन में अगर हम अपनी गाड़ी को उस जगहों पर निकालने की कोशिश करते हैं तो ब्रेक एफिशिएंसी या ब्रेकिंग एफिशिएंसी गिर जाती है, बिकॉज ऑफ कि डिस्क पर पानी की लेयर आ जाती है या मड की लेयर आ जाती है या स्नो की लेयर आ जाती है। और उस टाइम पर जब ब्रेक्स अप्लाई किए जाते हैं तो ब्रेक्स प्रॉपरली डिस्क को या व्हील्स को पकड़ नहीं पाते हैं और वो स्लिप हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में मिसहैपनिंग होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, गाड़ी के ऊपर आपकी कमांडिंग पोजीशन डिस्ट्रैक्ट हो सकती है। इसलिए बहुत ही यूनिक फीचर है विच इज़ कॉल्ड ब्रेक डिस्क वाइपिंग। ब्रेक डिस्क वाइपिंग एक ऐसा सेंसर है या ऐसी यूनिक व्यवस्था है जहां पर आप जब गाड़ी में स्पेसिफिक मोड अप्लाई करते हैं, बिकॉज जब भी आपकी गाड़ी में अगर जो है वो ब्रेक डिस्क वाइपिंग दिया है तो ये हमेशा उन्हीं जगहों पर काम करता है जहाँ पर थोड़ा सा गीली ज़मीन है या बरसात का मौसम है या पानी में गाड़ी को ड्राइव करना है या स्लिपरी स्पेसेस हैं, तो उसके लिए अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग तरह के मोड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि वेट मोड है या स्लिपरी मोड है या ऑफ रोडिंग मोड है। तो उस कंडीशन में जब आप इस तरह के मोड्स आपकी गाड़ी में दिए हुए और आप इसमें से किसी भी एक तरह का मोड अप्लाई करते हैं, जैसे कि आपने वेट मोड अप्लाई किया या रफ मोड अप्लाई किया या स्लिपरी मोड अप्लाई किया, तो उस कंडीशन में ब्रेक डिस्क वाइपिंग नामक सेंसर या व्यवस्था या फीचर एक्टिवेट हो जाता है, जो ये सेंस करता है कि उस कंडीशन में जब आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी की डिस्क पर जो फ्यूम्स या छींटे आ रहे हैं, क्योंकि जब भी गाड़ी ड्राइव होगी तो गाड़ी पानी में ड्राइव हो रही है तो पानी के छींटे आएंगे डिस्क पर, कीचड़ में ड्राइव हो रही है तो कीचड़ के, स्नो में ड्राइव हो रही है तो स्नो के, तो उस कंडीशन में डिस्क के पास लगा हुआ सेंसर ये सेंस कर लेता है कि अब गाड़ी की डिस्क पर किसी भी तरह की कोई लेयर बन सकती है, मीन्स डिस्क के ऊपर कोई लेयर फाउंड हो सकती है, और अगर कोई लेयर फाउंड हो गई डिस्क के ऊपर तो ब्रेक अप्लाई करते समय ब्रेक स्लिप हो जाएगा, और ब्रेक अगर स्लिप हुआ तो उसकी एफिशिएंसी गिर जाएगी, मीन्स गाड़ी कंट्रोल से बाहर जा सकती है या ब्रेकिंग एफिशिएंसी पुअर होने पर मिसहैपनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस कंडीशन में जैसे ही सेंसर ये सेंस करता है कि डिस्क के ऊपर किसी भी तरह की कोई लेयर आ जाएगी, तो उस कंडीशन में ये इंफॉर्मेशन ECM को जाती है और ECM जो है ब्रेकिंग सिस्टम को अलाउ करता है कि डिस्क के ऊपर किसी तरह की कोई लेयर आ सकती है, अब डिस्क को क्लीन किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्लीन नहीं किया गया तो ब्रेक्स प्रॉपरली अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में ब्रेकिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेक डिस्क वाइपिंग नामक फीचर को एक्टिवेट करके डिस्क को क्लीन करने में हेल्प करता है। और क्लीन किस तरीके से करता है, जैसे कि ब्रेक्स हैं तो डिस्क है और ब्रेक्स इस तरीके से दोनों तरफ हैं, और जब आप ब्रेक्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, बट गाड़ी के डिस्क पर कोई लेयर फाउंड होने की कंडीशन आ रही है, तो ये ब्रेक्स व्हील को दोनों तरफ से लॉक अनलॉक नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं कि वन साइड का जो कैपिलरी है, यानी कि ब्रेक पैड है, वो एक तरफ से टच करेगा, फिर ये दूसरी तरफ से टच करेगा, फिर इधर एंड इधर, बारी बारी दोनों तरफ की कैपिलरीज या दोनों तरफ के ब्रेक पैड
गाड़ी की डिस्क को बारी बारी टच करते रहेंगे और डिस्क क्योंकि मूव हो रही है उस कंडीशन में जब ये ब्रेक पैड बाई वन एक दोनों साइड से डिस्क को टच करेंगे तो डिस्क के ऊपर किसी भी तरह की कोई लेयर नहीं बन पाएगी, मींस डिस्क जो है वो वाइप होती रहेगी, क्लीन होती रहेगी। और किसी भी तरीके के वेट सरफेस में जब आप गाड़ी पर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो आपको प्रॉपर ब्रेकिंग एफिशिएंसी प्रोवाइड होगी जैसी कि आपको नॉर्मल कंडीशन में प्रोवाइड होती। तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ ब्रेक डिस्क वाइपिंग जो कि आज की डेट में काफ़ी यूनिक फीचर है और प्रीमियम कार का फीचर है। और इसी के साथ आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा आज के इस टॉपिक के साथ। और कोई टॉपिक आपको रिक्वायर हो तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जिससे कि हम आपको और ज़्यादा डिटेल दे पाएँ। इसी के साथ ही आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल कैब्स एंड कार टेक को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्फॉर्म कीजिए जिससे हम आपकी और ज़्यादा डिटेल्स में मदद कर पाएँ आपके इस प्रोफेशन में आपकी इस इन्फॉर्मेशन के लिए। सो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कपिल गोविल आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।